हाँ तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्तराधर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक एडिटर एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है पिस्किया फोटो एडिटर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एकदम अमेजिंग इफेक्ट्स एंड अमेजिंग एडिटिंग जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एप्लीकेशन एक है उसमें, मतलब वहाँ पर ज़्यादा फीचर्स ऐड होने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन जो है लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू जो भी इसका जो प्रीवियस एप्लीकेशन था। तो दोस्तों, वो हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या है जो भी प्रोसेस होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो मेरे इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर आके भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको यहां से क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको यहां पर ये सर्च करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर पिक्सिया फोटो एडिटर को सर्च करना है। तो अगर आप यहाँ पर लाइक पिक्सिया भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है नज़र आ जाएगा, तो आप वहाँ से इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया, अब हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर ओपन किया, आपको यहाँ पर जस्ट सेकेंड के लिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये ओपन नहीं हो जाता। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक फोर ऑप्शन आ जाएंगे, टेक ए फोटो फ्रॉम गैलरी, रिमूव बैकग्राउंड, टेक फ्रॉम कैमरा या माइग्रेशन। माइग्रेशन जब आएगा, जब अगर आप यहाँ पर कोई भी एडिटिंग करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक फ्रॉम गैलरी का एक ऑप्शन आया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर गैलरी से ले जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड है जिसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करके ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं माइग्रेशन कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेक फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एलो दबा देंगे। एलो दबाने के बाद दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम कोई भी एक इमेजेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर कोई भी एक नॉर्मल से एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक इमेज को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे फिल्टर एडजस्टमेंट ड्रिप एंड ओवरले नियॉन और यहाँ पर अदर फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो है इजीली इसके अंदर जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स जो है वहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से उसका जो सैचुरेशन है वो भी यहाँ पर कम कर सकते हैं या तो बढ़ा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसके अंदर एक और एक आपको एक अमेजिंग इफेक्ट भी है, जिसके अंदर अगर जो भी ब्लरनेस है आपकी इमेज के अंदर तो वो यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा और आपकी जो इमेज है जो ब्लर थी वो यहाँ पर एकदम साफ दिखने लगेगी। तो वो भी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये तो आपको नॉर्मली मालूम ही होगा, क्योंकि ये आपको नॉर्मल मोबाइल में भी और यहाँ पर आपको जितने भी एप्लीकेशंस आपको आपने यूज़ किया होगा वहाँ पर तो ये अवेलेबल ही होगा। ये तो कॉमन है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड सिचुएशन में हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको तो मालूम ही है किस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया और यहाँ पर क्लिक किया, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपकी जो इमेज है आपने बहुत बार देखा होगा यहाँ पर वहाँ पर कि किस तरीके से ये एडिटिंग। दोस्तों, यहाँ पर ये कोई एडिटिंग नहीं होती, यहाँ पर आपको एक टैम्पलेट मिल जाता है, जो कि टैम्पलेट के अंदर आप यहाँ पर जस्ट आपकी इमेज को अगर इनपुट करेंगे तो आपकी इमेज जो है कुछ इस तरीके से नज़र आना। देख सकते हैं दोस्तों, ये एक टैम्पलेट है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। ये एक्चुअली तो आपको जैसे आप जब भी यहाँ पर लगाते तो आपको ये नहीं दिखता एकदम ओरिजिनल दिखेगा, लेकिन एक यहाँ पर आपको एक टैम्पलेट होता है जो कि आप यहाँ पर आप इमेज को ऊपर आप यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। तो लाइक हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया तो क्लिक किया तो देख सकते हैं आप पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हटने के बाद आप नीचे आप जाते हैं, नीचे जाने के बाद आप बैकग्राउंड जो है वो इजीली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है इफेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे जो इफेक्ट्स हैं वो भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहे हैं, पीछे से जो भी बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है। तो आप यहाँ से इस तरीके से जो है जो भी बैकग्राउंड्स हैं जो भी इसके बाद आपको यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन आएगा कि नियॉन का। दोस्तों, आप तो मालूम ही होगा कि नियॉन किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, हम उसके बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो हम उसके बारे में भी बताते हैं कि आप नियॉन जो है वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नियॉन कुछ इस तरीके से होता है जो कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से नियॉन होता है जो कि आप यहाँ पर ईजिली आपकी इमेज के ऊपर लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये अगर आप यहाँ पर इसको सीधे तरीके से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, मैंने तो यहाँ पर रैंडम
रैंडमली एक इमेज उठाया है। अगर आप यहाँ पर जो है पहले से प्लानिंग से यहाँ अगर आप यहाँ पर इमेज को क्लिक करते हैं और वही इमेज को एडिटिंग के लिए यहाँ पर लेके आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर बेहतरीन आएगी। आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये अभी फ़िलहाल के लिए तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया है। तो आप यहाँ पर होने के बाद जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो जो भी हमने यहाँ पर सिलेक्टेड एरिया किया था वो यहाँ पर मिट गया है, और उसके बाद का जो भी एरिया है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे लाइन से उसी तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बॉडी का एक ऑप्शन है जिसके अंदर अगर आप मोटे हैं तो पतले हो सकते हैं, अगर पतले हैं तो मोटे हो सकते हैं। ये भी यहाँ पर एक बेस्ट फीचर है इस एप्लीकेशन के अंदर, आप इसको भी जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको फ्रेम्स भी अवेलेबल है जो कि आप यहाँ पर मल्टीपल जो भी फ्रेम्स है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी एक्चुअली तो देखा गया तो वो नॉर्मल हर एप्लीकेशन में होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जो है न्यू मॉडल्स के जो भी फ्रेम्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो आप यहाँ पर जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वो भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कलरिंग्स करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर भी ईजिली जो कलरिंग्स है वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, कोई भी डाउट हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर आके फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर DM के जरिए आप आपके जो भी डाउट्स है वो शेयर कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।